अनिल की देवता फील्ड, अनिल की देवता फील्ड E8 के बाद S1 की पहली देवता फील्ड है अनिल। अनिल जो है रिस्पॉन्सिबल है उस मैनिफेस्टेशन को जो आकाश ने किया उसको प्रोसेस करने के लिए, आकाश ने मैनिफेस्ट किया, अनिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस करे, उसको आगे बढ़ाए। अनिल इज टू टेक इट फर्दर द मैनिफेस्टेशन डिड बाई द आकाश देवता फील्ड, और आकाश मेक मैनिफेस्टेशन पॉसिबल एंड द अनिल टेक इट फर्दर। दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अनिल देवता फील्ड। अनिल जो है इंद्र की अनिल को जो है ट्विन इंद्र के नाम से भी कंसिडर किया जाता है, मतलब आकाश और अनिल एक्चुअली इज बीइंग कंसिडर्ड एज द वन। सो अनिल को ट्विन इंद्र के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। एंड इट्स अ गॉड ऑफ फायर, इज द एक्सेप्टर ऑफ सेक्रीफाइसेस, फायर में सेक्रीफाइस की सेक्रीफाइस, एक्सेप्टर ऑफ सेक्रीफाइसेस को भी डिनोट किया जाता है। फायर एक ऐसी चीज है जो कि हर रिलीजियस सेरेमनी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे धर्म के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर हर एक्टिविटी में फायर का योगदान है, हर रिलीजियस सेरेमनी में फायर का योगदान है। इसलिए फायर को मनुष्य के बीच में और देवताओं के बीच में या भगवान के बीच में या गॉड के बीच में एक मैसेंजर की पद्धति प्रदान की गई है। ही इज अ मैसेंजर बिटवीन दी मनुष्य एंड दी भगवान, इसके बीच में एक ऐसी पद्धति इसको प्रदान की है, क्योंकि हर रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर फायर को प्रवर्जित किया जाता है, फायर को किया जाता है। फायर जो है पंच महाभूत का एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट है फायर। अग्नि जो है अग्नि के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अग्नि के बिना हमारी बॉडी जो है डेड मानी जाती है, इसलिए फायर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इंसान के शरीर ठंडा हो जाता है तो वो डेड बॉडी मानी जाती है, तो इसीलिए अगर अग्नि यहाँ पे अग्नि दूषित हो जाती है तो इंसान के जीवन के अंदर नाना प्रकार की जो उत्पन्न जो पीड़ाएं पैदा होती है वो यहाँ से होती है। जैसे नॉलेज की समस्या पैदा हो सकती है, प्रिंसिपल्स की समस्या, जो उसके प्रिंसिपल थॉट्स हैं उस पर काम नहीं होना, उस पर मैनिफेस्टेशन नहीं होना, उनकी बातों में दम नहीं होना, बातों में एक फायर नहीं होना, इन सब चीजों की समस्याएं यहाँ से पैदा होती हैं। एक बर्निंग डिजायर पैदा करता है फायर, बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है फायर की एनर्जी फील्ड। फायर की जो एनर्जी फील्ड है ये एक प्रकार की रोशनी है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो सामने वाले को दिखाती है। फायर में ही एक ऐसी एक फील फैक्टर है जो कि रोशनी क्रिएट करती है। फायर इज ए पर्सनैलिटी, जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देख के फायर हो, इट्स ए एनर्जी फील्ड ऑफ द अनिल, जो एक सेलिब्रिटी ऐसी ड्रेसअप करे जिसको देख के फायर क्रिएट हो, इट्स ए एनर्जी फील्ड ऑफ अनिल। जब इंसान की पर्सनैलिटी में कोई फायर नहीं है, कोई ऐसी फील फैक्टर क्रिएट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि अनिल की एनर्जी फील्ड दूषित है, अनिल की एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। अनिल की एनर्जी फील्ड इंसान के अंदर एक हर काम को कर गुजरने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि जब फायर होती है तभी इंसान आगे काम को बढ़ा पाता है, उसे आगे रिलेट कर पाता है। अनिल की एनर्जी फील्ड जो है अग्नि जो है एक बुद्धि का कारक बनती है, क्योंकि एनर्जी अगर आग जो है हमें रीजन और इंटेलेक्चुअल पावर भी प्रदान करती है, जिससे कि हमारा माइंड चलता है, जिससे कि हम देखते हैं, और ऋग वेद के अंदर इसको अच्छे से दर्शाया गया, अग्नि को रिलेट किया गया। अग्नि जो है प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स है, हर काम में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करे बिना हम कोई कार्य नहीं करते, तो वो लाइफ फोर्स, वो जो प्राण शक्ति है वो फायर है। अग्नि वो तत्व है फायर का जो कि हमारे सिस्टम को पूरे को रिलेट करने के लिए, जब एनर्जी लॉस हो जाता है तो उसको पूरे को संचालित करने के लिए अनिल की देवता फील्ड कार्य करती है। जहां मैं फायर बोल रहा हूँ अनिल की देवता फील्ड को आप रिलेट कर सकते हो। एक दो एनर्जी फील्ड आती है, सवित्रा और सवित्र, जो कि प्राण शक्ति को, आत्म शक्ति को अंतर्मुखी रेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए मानी जाती है। लेकिन उसके साथ आगे जो एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है वो अनिल की क्रिएट करती है, क्योंकि अनिल ही वो देवता फील्ड है जो कि फायर क्रिएट करता है इंसान के अंदर, जिस फायर से इंसान जो है
अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, जो मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस कर पाता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाता है। यही वो चीज है जहां से इंसान शादी हो, शादी ब्याह हो, घर गृहस्थी हो, घर का घर घर का प्रवेश हो, कोई भी हवन हो, यज्ञ हो, किसी प्रकार की भी रिलीजियस एक्टिविटी हो जिसके अंदर आहुति देते हैं, इंसान फायर करता है, फायर लगाता है, वो सारी एक्टिविटी अनिश्चित होती है। जब इंसान कहता है मेरे घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, शुभ ओकेजंस नहीं आ रहे, मेरे घर की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, तो यानी कि उसकी अनिश्चित देवता फील्ड में प्रॉब्लम है, वहां पे समस्या है। आग नोट के अंदर, नोट के अंदर एक प्रकार की अग्नि है, जो नोट की अग्नि है वो अनिल की देवता फील्ड है। इंसान कहता है मेरा कैश लिक्विडिटी वीक हो रहा है, मेरा कैश लिक्विडिटी खत्म होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है, वो अनिल की देवता फील्ड है। अगर अनिल की देवता फील्ड बिगड़ जाती है तो यहाँ से, अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो यहाँ से प्रॉब्लम सरकारी समस्याओं में, तंत्र में, सरकारी तंत्र से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जैसे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई या इस टाइप की कोई जीएसटी की समस्या पैदा हो गई, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की समस्या आ गई, वो सारी चीजें अनिल की देवता फील्ड पे रिलेट की जा सकती हैं। अनिल की देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है जो कि हमारे को अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस छोटी देवता फील्ड के रूप में हो जाती है तो इंसान की स्ट्रगल बढ़ जाती है, एक्सीडेंट्स होने बढ़ जाते हैं जीवन में, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक इंसान को प्रॉस्परस लाइफ को, जीवन को जीने में स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको अपनी जो क्लैमिटीज है उसको प्रोटेक्ट करने में उससे दिक्कत होती है, समस्याएं पैदा होती हैं और जल्द आसानी से उसको जीवन को निर्वाह करने में दिक्कत होती है। अनिल की जो देवता फील्ड है वो एक विंड एनर्जी की तरह काम करती है। काम, इंसान बोलता है मेरा काम शुरू ही नहीं हो रहा है, मैं काम को शुरुआत ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मैनिफेस्टो कर लिया पर मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस ही नहीं कर रहा हूँ, वो अनिल की देवता फील्ड है। यहाँ पे अनिल की देवता फील्ड के ऊपर अगर इंसान, अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि आकाश की देवता फील्ड पे, अगर आकाश की देवता फील्ड जो इम्बैलेंस होती है तो वहां के लड़के को दिक्कत ये है कि वो लड़का या तो घर छोड़ के चला जाता है या ग्रोथ में दिक्कत होती है। अनिल की देवता फील्ड स्टेट वे वहां पे अगर जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणु में कमी लाती है जिससे कि उस घर में चाइल्ड बर्थ की एनर्जीज में वीकनेस आ जाती है जिससे कि चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत होती है। अनिल की जो देवता फील्ड है वो इट्स इम्पॉर्टेंट कि शुक्र की है वीनस के लिए, वीनस की देवता फील्ड है और यहाँ की इम्बैलेंस होने से वहाँ इन घर की महिलाओं में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और इस जोन के ऊपर अगर डोर आ जाता है तो वो एक नेगेटिव एनर्जी देवता फील्ड क्रिएट करता है। ये जोन के अंदर येलो कलर जो है कि अग्नि का जो शुरुआत की अग्नि होती है उसका कलर बड़ा सूक्ष्म कलर होता है, उसके अंदर कुछ ऑरेंजिश होता है, कुछ येलोइश होता है या येलोइश की मिला के ही एक्चुअली ऑरेंजिश बनता है, तो उसका कलर कुछ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे अगर येलो कलर आ जाता है जो कि अग्नि को ठंडा करने की कोशिश करता है, अग्नि को रोकने की कोशिश करता है, येलो कलर अग्नि को कंट्रोल करता है, तो जब येलो कलर यहाँ पे ज्यादा आ जाता है तो अग्नि कंट्रोल होने शुरू हो जाती है, कंट्रोल की जगह डिस्ट्रक्टिव होनी शुरू हो जाती है, एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाती है, तो उससे कैश क्रंची, कैश इश्यूज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसी देवता फील्ड से। अग्नि, अनिल की जो देवता फील्ड है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की और शुक्र इसका प्लैनेट है। अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, अपलिफ्टर है, इसलिए अग्नि की जो देवता फील्ड है वो हमेशा अपलिफ्टर की तरह काम करती है, इससे मैसेंजर बिटवीन द गॉड एंड द पीपल एंड द मनुष्य, उसके अंदर एक मैसेंजर काम करती है। अग्नि जो एलिवेटर है, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, एलिवेट करती है। अग्नि की देवता फील्ड के ऊपर ग्रॉसी को माध्यम से हम रेड सैंडलवुड को हम यूज कर सकते हैं इस देवता फील्ड को बढ़ाने के लिए या बैलेंस, ग्रॉसी को बैलेंस करने से बैलेंस करने के लिए। अग्नि और आकाश में मैं कुछ चीजें बताता हूँ। अग्नि और आकाश की देवता फील्ड में जो कुछ विभिन्नता है वो ये है कि अग्नि की जो देवता फील्ड है, आकाश की जो देवता फील्ड है वो किसी भी प्रोसेस का इनिशिएशन पॉइंट है, जैसे मैनिफेस्टेशन का इनिशिएशन पॉइंट है, उस इनिशिएशन पॉइंट को आगे बढ़ाना, उसको फॉरवर्ड करना, उसको अपलिफ्ट करना, उसको अपवर्ड लेके जाना, वो काम अनिल का है। यानी कि आकाश शुरुआत है तो अनिल उस पहिए का आगे का संचालन है, तो आकाश, अगर आकाश को आप मानो आकाश कंडक्टर है तो अनिल उसका ड्राइवर है। कंडक्टर का काम है गाड़ी की सीटी बजाना बस की और उसको इनिशिएट करना, भैया चल बस चला, अनिल का काम है बस को चलाना। अगर दोनों में से एक भी पहिया बिगड़ जाए
तो ना बस चलेगी ना, या फिर डायरेक्शन लेस चलेगी या फिर इनिशिएट ही नहीं होगा काम। दोनों की देवता फील्ड में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ ईस्ट की एनर्जी फील्ड प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये देवता फील्ड इंबैलेंस हो जाती है तो आधी समय पे काम अटक जाते हैं, काम बीच में ही अटक जाते हैं। इंसान स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद काम छोड़ देता है, काम नहीं कर पाता, या उसके बाद क्लाइंट नहीं आते या कंप्लेंट करता है मेरे पे से हो नहीं रहा, मेरी आई एम नॉट एबल टू डू एक्सपेंशन, आई एम गेट स्टक, आई डू नॉट नो वेयर टू गो, मतलब दे कांट सी फर्दर की व्हाट इज टू डू, बिकॉज अग्नि जो है वो रोशनी भी है तो उसको दिखाई नहीं देता कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे कैसे करना है, वो मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस ही वीक हो गया। वो सारी देवता फील्ड जो है आकाश और अग्नि की देवता फील्ड बैलेंस करती है इस बात को। अग्नि साउथ ईस्ट के अंदर अर्थ का थोड़ा प्रेजेंस हमेशा रहता है क्योंकि ऑरेंज कलर जो होता है उसके अंदर येलो की मात्रा होती है जिससे कि ऑरेंज बनता है, इसलिए अर्थ का प्रेजेंस थोड़ा होता है क्योंकि अर्थ के ऊपर ही अग्नि प्रज्वलित होती है, अर्थ के ऊपर ही, तो इसलिए अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा येलो कर देने से ज्यादा अर्थ स्टेब्लिश हो जाती है जिससे कि अग्नि बैठ जाती है, अग्नि का जो मूवमेंट है वो वीक हो जाता है, अग्नि बिकम एक्सटिंग्विश। तो व्हेन अग्नि बिकम एक्सटिंग्विश तो वहां पे मतलब एक्सटिंग्विश भी इतना तो नहीं होगी बट रिड्यूस हो जाएगी, तो वहां से आने जो अग्नि के अंदर फील है वो खत्म हो जाएगा। अग्नि की देवता फील्ड जैसे मैंने बताया था कि आकर्षण का केंद्र है, अगर किसी चीज को किसी वस्तु को देख के एक फील फैक्टर क्रिएट होता, वाव फीलिंग क्रिएट होती है, वो अग्नि है क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी थी जिसने आपके अंदर एक वाव फैक्टर क्रिएट कर दिया, वो एक फायर थी। तो किसी भी प्रकार की जो सेलिब्रेटरी सिस्टम है या फिर सेलिब्रिटीज हैं या फिर हीरो या कोई भी इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो लोग एक उस समय में जिस समय में वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस समय में। यहाँ पे आया हुआ पानी आपको बुझा देता है, इसलिए पानी एब्सोल्यूट नो, पानी की कोई भी चीज यहाँ पे इसे एब्सोल्यूट नो ये मानी जाती है। अगर ये पानी की एक्टिविटी या येलो कलर अर्थ की एक्टिविटी भी आती है तो जीवन यहाँ पे रुक जाता है, जीवन स्टक हो जाता है और चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं, उससे ऑब्जेक्ट घटनाएं नहीं घटनी शुरू होती है, तो कैश में प्रॉब्लम आती है, कैश अटक जाता है, तो इंसान को नाना प्रकार की समस्या जीवन में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। वाटर और फायर का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, दे आर एनिमीज टू ईच अदर, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट इज एब्सोल्युटली नो। अगर इस जोन के अंदर वाटर आ जाता है तो इंसान को सिक्योरिटी और इश्यूज रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं और एक हीट जनरेट नहीं हो पाती, एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट से सिक्योरिटी इश्यूज एक्सीडेंट की संभावना इंसान के जीवन में बढ़ जाती है। अगर जो जो दूसरे एंगल से ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो मैंने आपको बताया था इंसान के अंदर शुक्राणु की कमी होती है, तो शुक्राणु की कमी भी यहाँ से आती है जिससे कि जिसकी अपनी स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, वो दूषित हो जाती है। यहाँ पे अगर वाटर आ जाता है तो इंसान के अंदर एक प्रकार का भय क्रिएट होता है जो कि एक थ्रेट एक टाइप एक फीलिंग क्रिएट होती है क्योंकि उसके अंदर चैलेंज को फेस करने की शक्ति कम हो जाती है, तो अपने आप ब्लैक मैजिक का थेफ्ट का एक्सीडेंट का भय भी बढ़ जाता है, जहाँ से सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं, स्ट्रेंथ उसकी वीक हो जाती है, ब्लैक मैजिक जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इंसान कई बार महसूस करता है कि उसके घर में ब्लैक मैजिक बहुत हो रहे होते हैं या उसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आस पड़ोस में चीजें फेंकता रहता है करता रहता है, तो ये भी हो सकता है साउथ ईस्ट के अंदर वाटर एलिमेंट वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा हो, तो वहां से वाटर एलिमेंट को रिमूव करना चाहिए या अपने साउथ ईस्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। थेफ्ट जो चोरी चकारी की एक्टिविटी है वो भी वहां से दिख रही है क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स है, इट्स अ सिक्योरिटी लैप्स, चोरी की एक्टिविटी इट्स अ सिक्योरिटी लैप्स। लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हो, लगातार इंजरीज हो रही हो, लगातार फ्रैक्चर्स हो रहे हो या लगातार कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी की क्षति हो रही है, डैमेजेस हो रहे हैं, इंजरीज हो रहे हैं, उसका रिलेशन फायर एलिमेंट से हो सकता है। यहाँ पे आया हुआ उसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट से हो सकता है इस जोन के अंदर, यहाँ पे आया हुआ वाटर एलिमेंट ये समस्याओं को पैदा कर सकता है। ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट कई बार इंसान यूज करता है किचन विचन बनाने के, साउथ ईस्ट में कहते हैं किचन अच्छी होती है करके, तो ब्लैक ग्रेनाइट यूज करता है, बट ब्लैक ग्रेनाइट जो होता है वो फायर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से वाटर एलिमेंट उस किचन में आ जाता है जिससे कि कैश करंट की जो वाटर की जो अभी मैं समस्या बताई है वो वहां से रिलेट करती है।
नाना प्रकार के एक्सीडेंट, कैश क्रंच, ये समस्या पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे शीशा भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कई बार यहाँ पे लोग शीशा लगा लेते हैं एक्सटेंशन करने के लिए जोन को, कि जोन को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो शीशा लगा के एक्सटेंड कर लिया। बट शीशा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो शीशे को लगाने से भी वाटर का स्टेबिलिटी स्टेब्लिश हो जाता है, जिससे कि अपनी समस्याएं पैदा होती हैं। बहुत बार इस जगह पे रेड बल्ब को लोग लगा लेते हैं बिना सोचे समझे कि रेड बल्ब का प्रभाव क्या पड़ेगा। रेड बल्ब को सिर्फ ऐसे ही लगा लेने से ठीक नहीं होता। रेड बल्ब इज नॉट रिकमेंडेड एज लाइक एनीथिंग वन विल वुड। रेड बल्ब को लगाने से पहले बार चार्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि उस जगह की स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है। अगर वो जोन कटा हुआ है, छोटा है, बार चार्ट पे हल्का आ रहा है, तो रेड बल्ब को लगाने से फायदा होगा। अगर वो जोन ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, उसमें फिर भी रेड बल्ब लगा लिया जाए, तो ऐसे में चोरी चकारी की समस्या, नुकसान की समस्या, कैश की समस्या और सरकारी तंत्र से नुकसान की समस्या बढ़ जाती है। त्रिदोष के अंदर पित्त की समस्या बढ़ जाती है। पित्त बढ़ जाता है तो वहां से, और पित्त जैसी समस्याओं में इंसान इंपेशेंट हो जाता है, इमोशनल इंबैलेंस भी हो सकता है और बॉडी पे भी रैश हो सकते हैं, हार्ट की जैसी समस्या भी वहां से पैदा हो सकती है। तो इसलिए रेड बल्ब को लगाने से पहले उसका चार्ट का विचार करें, बार चार्ट को समझें, तभी वहां पे रेड बल्ब को वहां पे बताएं। अगर इस जोन के अंदर, E8 के जोन के अंदर, और E8 का जोन में मैं शायद गेट नहीं बताया आपको, अगर E8 के जोन के अंदर गेट आ जाता है E8 का, तो E8 के जोन के अंदर जो गेट आया वो आप वहां से एक्सीडेंट, फायर लॉस, फाइनेंशियल लॉस या चोरी चकारी जैसी समस्या पैदा करता है। अगर यही E8 का मतलब आकाश की देवता फील्ड थी, अनिल की देवता फील्ड मतलब S1 की देवता फील्ड, अगर S1 की देवता फील्ड के ऊपर गेट आ जाता है, तो ये यहाँ का गेट जो है उस घर के बच्चों के लिए अच्छा गेट नहीं माना जाता, उसमें समस्या पैदा होती है। ओवरऑल ये गेट, E8 का जो गेट होता है, इट इज नॉट द राइट गेट, बिकॉज यहाँ से मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से आती गेट क्या होता है, किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो यहाँ से जो मैनिफेस्टेशन की जो इनिशियलाइजेशन थी, किसी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए आपको एक कंफाइंड स्पेस ही होती है। अब वो जब कंफाइंड स्पेस खुल जाती है तो मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है, और मैनिफेस्टेशन ही नहीं होगी तो प्रोसेसिंग कहाँ से होगी। इसलिए इस जगह पे आया हुआ गेट समस्याओं को बढ़ाता है और उस घर में फाइनेंशियल लॉस, एक्सीडेंट्स को बढ़ा देता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। ओवरऑल इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट इज ए फाइनेंशियल लॉट, इट्स ए इश्यू क्रिएटिंग इन टर्म्स ऑफ चोरी चकारी, एक्सीडेंट, ये सब चीजों को समस्या पैदा करता है। अगर यही S1 की देवता फील्ड पे गेट खुल जाता है, S1 की देवता फील्ड मैंने अभी बताया था कि कोई भी जब डोर खुलता है तो वो उस जगह की पावर को बढ़ा देता है, तो S1 की देवता फील्ड पे अगर गेट खुल जाता है तो वहां से उत्पन्न समस्या में सबसे बड़ी समस्या आती है शुक्र की, शुक्राणु की। शुक्र शुक्राणु की जो समस्या आती है उसके अंदर, एक तो जो जो दी एल्डरसन ऑफ दी एल्डरसन माना जाता है, बट ऐसे में मैंने देखा कि कई बार जो लड़का होता है उसको, लड़का छोटा हो या बड़ा, उसको इफेक्ट आ ही जाते हैं। तो इट इज बीन सेड एल्डरसन, बट एनी सन विल हैव दैट इफेक्ट। तो वहां से समस्या उसको पैदा होती है, जहां से कि वो या तो घर छोड़ देगा या उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी या शुक्राणु में प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि घर की उत्पत्ति करने में या एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे गेट खुलने से जो हमारी नाड़ी होती है उनमें से पिंगला नाड़ी जो होती है, मस्कुलिन नाड़ी जो होती है, इसका एक्टिविट मस्कुलिन एक्टिविट होता है, उसके अंदर इंबैलेंस क्रिएट होता है, जिससे भी हमारे अंदर क्षमता की कमी होती है, जिससे हम हमारी जो प्रजनन की शक्ति होती है, शुक्राणु की शक्ति होती है, उनमें कमी आती है और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ये जोन वेल्थ और अट्रैक्शन की जोन है। दोनों जोन वेल्थ और अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए इस जोन के अंदर इंपॉर्टेंट है कि ये बैलेंस है। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी रिकमेंडेड है इस जोन को बैलेंस करने के लिए। लक्ष्मी गणेश जी की भी स्थापना की जा सकती है यहाँ पे इस जोन में, ताकि ये जोन हमारे को वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी लाइफ में देती रहे। ये जोन नेम फेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि जब इंसान पे पैसा होता है तो हर व्यक्ति उसको पूछता है, तो इसलिए नेम फेम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अट्रैक्शन किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन, अगेन एम सेइंग, अट्रैक्शन किसी प्रकार का अट्रैक्शन इज बीइंग कंसिडर फ्रॉम दी अनिल की देवता फील्ड प्राइमरी तौर पे, क्योंकि जब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को यहाँ से देखा जा सकता है। एक घी का दिया, एक घी का, एक गाय के घी का दिया यहाँ पे
जलाते रहने से भी जो अग्नि प्रज्वलित होती है उससे भी फायदा होता है, वो भी एज ए रेमेडियल एक्ट यूज किया जाता है। श्रीयंत को भी यहाँ पे लगाने से अच्छा फायदा होता है, श्रीयंत को भी यहाँ पे लगाया जा सकता है इस देवता फील्ड पे। इस देवता फील्ड पे अनवांटेड तरीके से कभी भी एनर्जीज को लिफ्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि नुकसान पैदा होता है, यानी इसलिए बार चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। अगर बार चार्ट देखे बिना इस जोन की एनर्जी को लिफ्ट किया जाए तो समस्या पैदा होना बढ़ जाती है। और साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट की देवता फील्ड के ऊपर जो एक्टिविटीज की जा सकती हैं वो बेडरूम को अवॉइड किया जाए, क्योंकि बेडरूम एक्टिविटी इस रूम में, इस जगह पे बनाई जाती है, तो हमारे अंदर फायर ज्यादा होने की वजह से हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है जिससे कि गुस्सा आता है और नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ड्राइंग रूम बनाया जाता है, डाइनिंग रूम किया जाता है, टॉयलेट इज एब्सोल्युटली नो इन टू दैट जोन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक इस जोन में मना, स्टोर रूम, गेस्ट रूम, बार रूम, ये सब चीजें, खुला एरिया, ये सब चीजें इस जोन के अंदर, दीज आर एब्सोल्यूट नो इन टू दैट जोन। व्हाट कैन बी डन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन कैन बी डन, स्टडी टेबल कैन बी डन, बट स्टडी टेबल इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रांगली कंसिडर, मतलब टू एन एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन ज्यादा स्ट्रांग कंसिडरेशन नहीं है स्टडी टेबल की इस जोन के अंदर। एंड क्लॉकवाइज सीढ़ियों को हम बना सकते हैं, क्लॉकवाइज सीढ़ियां यहाँ पे हो सकती हैं इस जोन के अंदर। गेट का लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गेट E8 का, एसरन का गेट इज नॉट गुड, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि E8 का गेट फायर इंसिडेंट को दर्शाता है, लॉसेस को दर्शाता है, और एसरन का गेट थेफ्ट, कैश, लिक्विडिटी, इन सब चीजों को, लड़के की समस्याओं को दर्शाता है, तो ये नॉट रिकमेंडेडेबल है। और यहाँ से रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उस केस में, क्योंकि शादी ब्याह या मैरिज या अच्छे जो हमारे घर के ओकेजन है उसके अंदर कमी लाता है। इसके लिए इसका जो अपना बैलेंसिंग एनहांसर तत्व है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का टीन और स्टेनलेस स्टील को यूज किया जाता है। इसका जो ओन कलर है वो रेड है, रेड में कॉपर को यूज किया जाता है, जो एग्जॉस्ट कलर है उसका येलो है, येलो में ब्रास को यूज किया जाता है साथ में, और डिस्ट्रिक्टिव कलर यहाँ का ब्लू है, ब्लू में एल्यूमिनियम सिल्वर को यूज किया जाता है डिस्ट्रिक्टिव कलर के लिए। डिस्ट्रक्शन में कभी कहना नहीं चाहिए बट आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्टिव कलर क्या है। इस जोन में अगर टॉयलेट गलती से अगर आ भी जाए तो टॉयलेट की ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है, ये एक तो यहाँ पे ग्रीन कलर को भी यूज किया जाता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है अगर इस जोन में टॉयलेट आ जाता है तो कॉपर की पत्ती से ट्रीट किया जाए। कॉपर की पत्ती से ट्रीट करने से टॉयलेट बेटर ट्रीटमेंट होता है, तो कॉपर की पत्ती से इसको ट्रीट किया जाए टॉयलेट को यहाँ पे। अगर इस जोन के अंदर किचन आ जाती है तो किचन के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रखा जाए, ग्रीन कलर के स्टोन को रखने से किचन में जो अग्नि है वो बैलेंस होनी हो जाती है। और सेफ्टी टैंक आ जाए तो भी ग्रीन कलर से ट्रीटमेंट किया जाए या स्टेनलेस स्टील की पत्ती से ट्रीट किया जाए। ओवर अ टैंक इस जोन के अंदर परेशानी क्रिएट कर सकता है ओवर अ टैंक, तो उसकी ट्रीटमेंट भी स्टील से, स्टेनलेस स्टील से की जाए या फिर कॉपर से उसे काट दिया जाए, कॉपर से उसको हटा दिया जाए वहां से। अंडरग्राउंड टैंक इस जगह पे अलाउड नहीं है, अंडरग्राउंड टैंक इज प्रॉब्लमेटिक है इस जोन में, तो ग्रीन और ब्राउन कलर से अगर वो आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए इस जोन के अंदर। इस जोन का ये जोन क्या, ये जोन इट्स ए जोन विच गिव कंसिस्टेंट पावर इन टर्म्स ऑफ फायर एनर्जी, एंथुसियाज्म, एग्रेशन। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ज्यादा होती है तो भी नुकसान है, कम होती है तो भी वो नुकसानदायक है इस जोन के अंदर। राइट, ये थी साउथ ईस्ट की एनर्जी देवता फील्ड।